आने वाले तीन दिन सागर के जीवन के लिए अत्यंत भारी है। इन तीन दिनों में सागर की जान भी जा सकती है। और सबसे बड़ा उपाय है प्रार्थना। क्या हुआ? वो आवाज। आवाज? ओह, ठीक गिर गई थी बस। मैं तो नीचे उठाई ना कहीं पे कुछ। सब ठीक तो है ना? मुझे क्या होगा विद्या? मैंने कहा है ना तुमसे, सब कुछ इतना सीरियसली मत लिया करो। क्या हुआ? आपको भागते देख के हम भी पीछे पीछे आ गए। कुछ नहीं चीना, तुम लोगों ने इन्हें भागते हुए देखा, तुम लोग चले आए। विद्या ने तो बस आवाज सुनी और भागते हुए चली आई। समझाओ इन्हें, घबराएंगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरा नहीं, इनका। भाभी आप इतना मत घबराइए, हम सब हैं ना यहाँ पे, कुछ भी नहीं होगा दद्दा को। यस यस विद्या, वी ऑल देयर। मैं यहाँ हूँ। गुड मॉर्निंग। डर गई थी। तुम्हें क्या लगा किसने मुझे किडनैप कर लिया है? कितना भी आप हमारा मजाक उड़ाएं, हमारा डर जाए से। विद्या आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था। आई एम सॉरी विद्या, तुम्हें सब कुछ इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप इतनी जल्दी कैसे जग गए? सागर? अरे दी, गुड मॉर्निंग। सागर जल्दी करो बेटा, उन लोगों का फोन आया था, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मीटिंग के लिए। जी। जल्दी जल्दी मतलब आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, मुझे ऑफिस जाना है विद्या, कुछ इम्पोर्टेंट पेपर साइन करने हैं, एक अमेरिकन डेलीगेशन आई है उनसे मिलना है, उसके बाद आई एम बैक। मत जाइए ना। अरे मत जाइए विद्या, मैंने कहा ना सब कुछ इतना सीरियसली मत लो प्लीज।
मैं नहा कर आता हूँ, ओके? मत रोको उसे, मेरा मतलब है वो जरूरी काम से बाहर जा रहा है, इस तरह टोकना अच्छी बात नहीं है। कहते हैं ना, बार बार टोकने से काम पूरा नहीं होता। तुम चिंता मत करो। बलवंत, सागर ऑफिस के लिए निकलने ही वाला है। तुम जानते हो ना तुम्हें उससे कहाँ मिलना है। ध्यान रहे, मैं सागर को वापस आते नहीं देखना चाहती हूँ। गुड लक। चलिए सब लोग, नाश्ता लग गया है। सागर के लिए, उसे देरी हो रही है ना, इसलिए उसका नाश्ता रेडी रख रही हूँ। बैठो। लाई दीदी, हम मदद करते हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, दिखाई नहीं देता सब खाना खा रहे हैं। मैडम, सारे घर के पंखे चेक कर लिए, बस एक यही बाकी है। जाओ जाकर कुछ और काम कर लो। ठीक है मैम, बाद में करता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज का नाश्ता बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। ओके, बैठो। अब चीनू, मैं लेता हूँ। हेलो जी, मेहरा जी। जी बस मैं थोड़ी देर में ऑफिस निकलूंगा। जी से। आप तो ठीक है ना, आपको तो नहीं चोट लगी। विद्या तुम ठीक तो हो ना, ये पंखा गिरा कैसे? विद्या, आराम से, बस कुछ नहीं। हमने आपसे कहा था ना कुछ गड़बड़ है। वो पंखा सिर्फ आप पर आकर गिरा। इतने सारे लोग थे वहां पर, फिर भी मुझ पर नहीं, तुम पर। चोट तुम्हें लगी। हमारी बात को बदलिए मत। आप भी जानते हैं कि वो पंखा सिर्फ आप पर गिर रहा था। तो क्या करूं, अपने आप को इस कमरे में बंद कर लूं? देखिए, इस बात का संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। सुनिए, हम कहीं नहीं जाने देंगे, समझ रहे हैं आप? विद्या प्लीज, मुझे जाना होगा। बस विद्या, बस बस। बात समझने की कोशिश करो। विद्या प्लीज, मुझे कुछ नहीं होगा। अब बच्चे ये ना,
अरे विद्या मुस्कुराओ ना, देखो जब तुम मुस्कुराती हो तो बहुत बहुत क्यूट लगती हो। पटन मैं शॉर्ट चेंज करके आता हूँ। हम लगाते हैं ना। अरे विद्या मैं दो मिनट लगेंगे, कहाँ कपड़े बदलेंगे, हम लगाते हैं। धागा नहीं दिख रहा हमें। इतने सारे धागे तो हैं। हाँ मतलब ऐसा पीला। हाँ ये चलेगा। सुई भी नहीं मिल रही हमें। हम विद्या चौकी में दूसरी शर्ट पहन लेता। नहीं नहीं मिल गई ना, मिल गई। पतली है ना वो जरा जल्दबाजी में गड़बड़ हो रही है। बस दो मिनट। अरे बटन तो हमने निकाला ही नहीं। एक मिनट आई जी दिखाई। बस अभी हो जाएगा। मुझे चलना होगा कितने। हाँ वो बस एक मिनट का ठान लगा देते हैं। हो गया लीजिए। वो हम सोच रहे थे कि आप अगर जाना ही चाहते हैं तो ठीक है, फिर आप मीठा खा कर जाइए। विद्या मीठा खाने से सब कुछ शुभ होता है। बस दो मिनट में हम आपके लिए खीर बना दो मिनट खीर कैसे बन जाएगी ना, दो मिनट में बनेगी। आप इंतजार तो कीजिए, बस हमारे खाते हैं। हम अभी अभी लेकर आते हैं। हम ला रहे हैं। विद्या महुआ जी, आप महुआ जी आपसे कुछ कुछ कहना चाह रहे थे। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और एक मिनट हमारी बात सुन के तो देख। मैंने कहा ना मुझे आपकी कोई बात सुननी भी नहीं है। अरे महुआ जी हम कब तक ऐसा बर्ताव करते रहेंगे कि हमारे बीच में कुछ नहीं है। आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि कुछ तो है। क्या आप क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। सच एक बार अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि आपको हमारी बात नहीं समझ में आ रही। महुआ जी अब तो गुरुदेव की भविष्यवाणी से भी ये साफ हो गया कि आप क्या कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप चंद्रा के पति हैं, मेरे बहन के पति। पर हमारी जिंदगी हमारी है। महुआ जी अगर आप हमें एक मौका दें तो हम आपको समझा सकते हैं कि हमारे बीच में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी आप महसूस कर रहे हैं और जो भी हम महसूस कर रहे हैं उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमें बस एक मौका दीजिए।
की तो बात है, 3 दिन तो ये चुटकी बजाते ही निकल जाएंगे। हम जानते भैया, पर ये 3 दिन भी अच्छे से गुजरे तो सही। हम जानते हैं आप लोगों को ये लग रहा है कि हम कुछ ज्यादा ही घबरा रहे हैं, पर कैसे नहीं घबराए हम? बताइए आप लोग, ये हमारे पति की जिंदगी का सवाल है ना भैया, आप लोग हमारी मदद कीजिए। हमने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि आज घर से बाहर ना जाएं, पर ये हमारी बात ही नहीं मान रहे, बिल्कुल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अभी भी वो तैयार बैठे हुए हैं जाने के लिए। भैया किसी ना किसी तरह से हमें जाने से रोकना ही होगा इन्हें। ठीक है भाभी, अगर आप ये चाहती हैं कि दद्दा आज कहीं बाहर नहीं जाए तो ऐसा ही होगा। चलिए अब कोई रास्ता सोचते हैं दद्दा को रोकने का। हमने रास्ता सोच लिया है सागर जी। शायद विद्या को खीर बनाने में टाइम लगेगा। आई थिंक तुम्हें निकलना चाहिए। यू नो दीज अमेरिकन्स, इन्हें इंतजार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जी मैं चलता। दद्दा वो खीर बन गई है, खा के जाइए ना। विद्या मामी खीर बना रही है और आप बिना खाए जा रहे हैं। खीर खा के जाना। पर खीर कहाँ है? खीर विद्या मामी ला रही है, तब तक उन्होंने ये पकौड़े दिए है, ये खाइए ना, ये भी बहुत टेस्टी है। हाँ हाँ दद्दा खाइए ना पकौड़े। हाँ, पकौड़े चलिए खाइए ना। भारत सागर चीनू भारत ये खाइए, ये लीजिए खाइए, बहुत अच्छे खाइए खाइए। दद्दा और खाइए बस और आप जा रहे हैं। विद्या मेरा पेट भर चुका है, मैं आके खाऊंगा प्रॉमिस। नहीं ना आप चलिए ना, आप खा लीजिए थोड़ी सी। विद्या मेरा पेट भर चुका है, मेहनत से बनाई है हमने। आइए ना आइए ना बैठिए, बहुत प्यार से बनाया है। आइए ना भाभी लीजिए खाके देखिए, ड्राइफ्रूट भी है। आप तो कुछ खा ही नहीं रहे, हमने इतनी मेहनत से बनाया, थोड़ा सा और लीजिए जी, थोड़ी सी। सागर कोई कोई बात नहीं, बस अभी अभी साफ हो जाएगा। भारत जाकर तुम टिश्यू पेपर ले आओ। दीप मैं जाके चेंज कर लेता। नहीं सागर लेके बलवंत तैयार है ना? सागर 2 मिनट में घर से बाहर निकलने वाले हैं, जस्ट बी रेडी। मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है सागर जी। हम क्या सोच रहे थे कि हमने आपको जन्मदिन पर कोई तोहफा नहीं दिया जी, है ना, तो हम सोच रहे थे कि आपके लिए एक खास लॉकेट बनवाए। जरा ये डिजाइन मैं देखूंगा बाद में, प्रॉमिस। नहीं क्या है ना कि हम अपने घर के गहने किसी खास ज्वेलर से बनवाते हैं। हाँ वो जरा शाम को बाहर जा रहा है तो हम अभी जाएंगे और जाके ऑर्डर देके आएंगे। जरा देख के बताइए ना कौन सा डिजाइन पसंद है आपको। ये अच्छा है, मुझे यही दीजिएगा। ओके बाय। सुनी ना विद्या अब क्या है? हम जानते हैं कि हमारे रोकने से तो आप रुकेंगे नहीं, तो हम एक बार आपकी नजर उतार दें। आप सिंदूरा दीदी मदद करेंगे आप हमारी, ये पकड़ लीजिए।
जी हो गए। विद्या मुझे पेपर साइन करने हैं, ऑफिस जाना है। बाय। सर पेपर यहाँ है। अरे मैनेजर साहब आप घर पे? जी विद्या मैम ने फोन करके कहा था कि आपको आने में देरी हो रही है, सो पेपर मैं घर पर ही ले आऊं। सो ले आया सर। थैंक यू सर। थैंक यू। विद्या मुझे मीटिंग के लिए जाना ही होगा और कुछ तो नहीं है ना? हेलो क्या मीटिंग कैंसिल हो गई? पर क्यों? क्योंकि हमने उन्हें घर पर बुला लिया है खाने पर। मीटिंग भी यहीं पर हो जाएगी रात में। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। लाइए बैग, चलिए। हाँ मैडम, सागर अब तक पहुंचा नहीं। यहाँ जानती है प्लान कैंसिल। विद्या आज तो तुमने सागर को बचा लिया, पर मेरे पास दो दिन और है। देखती हूँ आगे कैसे बचाती हूँ।